जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। उन्हीं मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुजफ्फरनगर के खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर शहर में स्थित एक कोल्ड स्टोर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मावा बरामद किया है, जिसमें खाद्य विभाग ने मावे के 5 नमूने लेकर जांच के लिए लखनऊ लैब में भेज दिया है। दरअसल त्योहारों के आने पर खाने के सामानों की मांग बढ़ जाती है और इस मांग के चलते मिलावटखोर थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की मावा मंडी आसपास के राज्यों में सबसे बड़ी मावा मंडी कहलाती है। यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड मावे की सप्लाई की जाती है। इन सभी राज्यों में मावा ट्रेन व रोडवेज बसों द्वारा सप्लाई किया जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से खाद्य विभाग को मावे के भंडारण की सूचना मिल रही थी, जिस पर आज जिला खाद्य अधिकारी विनीत कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ शामली रोड स्थित गौशाला के पास एक कोल्ड स्टोर पर छापेमारी की, जहां कोल्ड स्टोर में लगभग 40 कुंतल मावे का भंडारण पाया गया, जो कि बहुत ही गंदी तरह से स्टॉक करके रखा गया था, जिस पर खाद्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मावे के 5 नमूने लेकर जांच के लिए लखनऊ लैब में भेज दिए हैं। और जो मावा लगभग 6 कुंतल था जिसमें फंगस लगा हुआ था उसे नष्ट करा दिया गया है। वहीं लैब की रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। जिस कोल्ड स्टोर में भंडारण किया गया था वो कोल्ड स्टोर भी बिना लाइसेंस के चलता पाया गया, जिसे खाद्य विभाग ने तत्काल बंद करने का नोटिस दे दिया है। आज मावे पे छापेमारी की गई है, किस तरह की छापेमारी और कहां पे की? हां, ये शामली रोड पे एक कोल्ड स्टोर में मावा स्टोर करने की शिकायत मिली थी, तो वहाँ पे हमने जाँच कराई तो लगभग 40 कुंटल मावा वहाँ कोल्ड स्टोर में स्टोर किया हुआ है, जिसमें हमने 5 सैंपल लिए हैं और 6 कुंटल मावा हमने नष्ट करा दिया है, उसमें फंगस लग गई थी। शेष को हमने बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। सर कहाँ पे छापेमारी की गई थी? हाँ, ये शामली रोड पे गौशाला के पास था एक कोल्ड स्टोर, उसमें मावा स्टोर किया। सर कितना जो मावा है नष्ट किया गया है? लगभग 6 कुंटल मावा हमने नष्ट कराया है। तो सर अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, किस तरह से हम लोग बिल्कुल इसमें विभाग पूरी तरह सक्रिय रूप से काम कर रहा है और हम लोग मावा भट्टियों पे भी या जहाँ मावा स्टोर किया जा रहा है सभी जगह जांच कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किसी भी स्थिति में खराब चीज़ लोगों को ना मिले। तो सर अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? इसमें जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी।